अलीगढ़ शहर के बड़े कारोबारी जगदीश प्रसाद कशेरे के बेटे ने अपने भाई प्रमीत कुमार उर्फ पंपी और खुद के पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रीन पार्क अपार्टमेंट के रहने वाले राहुल कुमार ने आरोप लगाए हैं कि पारिवारिक विवाद में उनके भाई उनकी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा कर रहे हैं और ज़मीन जायदाद को लेकर उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। इसको लेकर राहुल ने कई सालों से पुलिस अधिकारियों समेत तमाम जगह शिकायतें की हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अलबत्ता उनके भाई प्रमीत कुमार और उनके पिता उन्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से तंग करते हुए उन्हें पागल घोषित कराने हेतु झूठे तथ्यों के आधार पर इलाज का बहाना लेकर विभिन्न उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों और झूठे मुकदमों में पुलिस से सांठगांठ करके जेल भिजवाते रहे हैं। राहुल कुमार ने आरोप लगाया है कि उनके विरुद्ध एक मुकदमा थाना सिविल लाइन में, जबकि दूसरा मुकदमा दिल्ली के द्वारकाधीश थाने में दर्ज करवाया था, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भी भिजवा दिया गया। राहुल का कहना है कि उनका परिवार काफ़ी परेशान है और वह अब न्याय न मिलने पर खुदकुशी करने को बेवश है। सुनिए पीड़ित राहुल कुमार की जुबानी, उनकी दर्द भरी कहानी। प्रमीत कुमार मालिक कोटा आर्ची ब्लू और सगे ताऊ के बेटे अखिल कुमार मालिक कोटा आवर एनसी रामगढ़ रोड कोटा आवागढ़ दिल्ली रोड से मेरा पिछले 10 साल से प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, जो मेरे नाम प्रॉपर्टी आज की तारीख में बेनाम है, मेरा नाम है करीब 30 से 40 करोड़ की प्रॉपर्टी। इन्होंने सब मेरी प्रॉपर्टी में आज की तारीख में सब पे कब्जा कर रखा है। इन दोनों भाइयों ने, अखिल कुमार होटल अवर एनसी वालों ने, होटल ऑर्ची वाले प्रेमी कुमार ने, मुझे पैसे ना देने पड़े इतने करोड़ रुपये, 30-40 करोड़ रुपये कोई पुलिस में पैसा देते हैं मेरे खिलाफ पिछले 10 साल से। कभी दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद कराते हैं दो महीने के लिए, कभी आगरा पाड़खाना और पुलिस को डॉक्टरों को पैसे देते हैं, कभी अलीगढ़ जेल में बंद कराते हैं, कभी नशा मुक्ति में ये धोखे ऐसे बंद कराते हैं कि मेरा चोट हड्डी टूट गई थी एक्सीडेंट इलाज हुआ दिल्ली में जान ले में हमला किया ऐसे ऐसे, वहाँ से नशा मुक्ति में 1.5 महीने कोई जहरीली दवा दी गई, नींद की गोलियाँ, स्लो पॉइजन, वहाँ से मैं 15 फुट की दीवार कूद के जान बचा के भागा नशा मुक्ति से। आए दिन मुझे पुलिस केस में लगा दिया गया। 15 दिन पहले अभी करीब 5 सितंबर को मेरे फादर ने और मेरे दोनों भाइयों ने ये फर्जी वारंट लेके पुलिस भेज दी मेरे फ्लैट में। सुबह करीब 11:30 से 12:30 करीब टाइम है 5 सितंबर इसी साल डराने के लिए। जब मैंने मोहन नाम की सिपाही से पूछी कि आप वारंट दिखाइए, तो उसने वारंट नहीं दिखाई। दिल्ली से वो भी आया रमेश नाम का कॉन्स्टेबल, वारंट दिखाई नहीं, मेरे बेटे को वारंट दिखाने लगे, तो जिस बेटे का मैं अपने बेटे का डिप्रेशन का इलाज करा रहा हूँ 1 साल से, वो भी बहुत मेंटल डिस्टर्ब कर दिया है मेरे भाइयों ने, और मैं अपनी पत्नी का भी इलाज करा रहा हूँ, तो वारंट ना दिखा के मेरे बेटे को दिखाने लगे। पीछे पुलिस वालों को उन्होंने पैसे दे दिए होंगे और फर्जी वारंट दे के भेज दिया मुझे डराने के लिए। इसकी मैं कंप्लेंट DI साहब से भी करूँगा, DM साहब से भी मिलूँगा मैं, कि मोहन नाम का ऐसे ऐसे थाना मोह खेड़े के बता रहा। जब मैंने पता किया बाद में तो वो निकला किशनपुर पुलिस चौकी का, जबकि सिपाही को कोई वारंट अरेस्ट के अधिकार नहीं होते, न मुझे वारंट दिए न। कौन लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? मेरे पिताजी जगदीश प्रसाद कसेरे, मेरे सगे भाई प्रेमित कुमार मालिक कोटा ऑर्किड ब्लू रामगढ़ रोड, मेरे सगे ताऊ के बेटे अखिल कुमार मालिक कोटा आवा रेजेंसी रामगढ़ रोड और मालिक कोटा आवा ग्रांड दिल्ली रोड, ये तीनों से मुझे जान माँ का खतरा है पिछले 10 सालों से। पुलिस से किस तरह की गुहार लगा रहे हैं? पुलिस से मैं अपनी जान की सुरक्षा और अपनी जितनी प्रॉपर्टी मेरे नाम है उनकी
उनको मुझे हक मिल जाए वापस और मेरे बेटे की जान की सुरक्षा और मेरी पत्नी की जान की सुरक्षा, क्योंकि उन्होंने मुझे मारने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। मैं ये चाहता हूँ अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला पुलिस वालों से तो मैं सुसाइड कर सकता हूँ, ये सुसाइड करने को मजबूर हो रहे हैं। और मेरा बेटा भी डिप्रेशन में कई बार कह चुका मैं सुसाइड कर लूँगा, अगर मेरे बेटे यश कुमार ने या मैंने सुसाइड की तो मेरे पिता जगदीप प्रसाद कसेरे, मेरे सगे भाई प्रेमी कुमार, मेरे ताऊ के बेटे अतुल कुमार जिम्मेदार होंगे। इन पर सख्त कार्रवाई हो, जो मैं DM SSP को 10 साल से बयान दे रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, अलीगढ़ मीडिया .com।